जानेंगे जियो फाइनेंस शेयर को। बताइए शर्मिला, क्या क्या रीड करेंगी इस खबर में? प्रमोटर फैमिली 2.5 करोड़ शेयर ओपन मार्केट से आज खरीद रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये सेंस जा रहा है मार्केट को कि वो अपना शेयर जियो फाइनेंशियल में बढ़ाना चाहती हैं। आप बताइए कैसे देखती हैं इस खबर को, कैसे रीड करेंगी? टेक्निकल थिंग, क्योंकि अगर ये स्टॉक फिर से सर्किट लग जाता कोई वजह से तो वो निफ्टी के बाहर नहीं आता, तो और उसके लिए एसेंशियल है कि पहले वो निफ्टी से बाहर हो और अपने से ट्रेड करे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है निफ्टी में रहने का जबकि वो निफ्टी का स्टॉक नहीं रहेगा। उसको इट वॉज टू फैसिलिटेट द फैक्ट कि वो एक रिलायंस से डीमर्जर हुआ था, तो हमने देखा कि जो फ्राइडे को लिस्टिंग हुई थी वो पोस्टपोन हुई क्योंकि दो तीन दिन लगातार जिस तरह से लोअर सर्किट लगी। अब इस हफ्ते हमने देखा है कि यू नो द स्टॉक इज ट्रेडिंग एंड दे नीडेड दैट वन मोर डे सो दैट इट सॉर्ट ऑफ स्पिल्स ओवर एंड इट इज आउट ऑफ द निफ्टी एंड इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग ऑन इट्स ओन। सो आई थिंक वन इज ऑब्वियसली अ टेक्निकल थिंग, लेकिन जो दूसरी चीज यू नो जिसका विच परहैप्स व्हाट यू आर हिंटिंग टुवर्ड्स वो भी अपने में बहुत ही सही है कि अगर कोई भी प्रमोटर इस तरह का हिस्सा अपने स्टॉक में लेता है इट्स ऑलवेज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस कि यहाँ से बिजनेस ग्रो ही करेगा। सो आई थिंक इट्स गुड न्यूज ओवरऑल। और राइट, एब्सोल्युटली। तो ये तो बात हुई प्रमोटर जब खुद ही हिस्सेदारी खरीद रहे हो, रोज हम ब्लॉग्स भी देख रहे हैं, तो इसके मायने क्या है? जियो फाइनेंशियल काफी ज्यादा सुर्खियों में है अभी। देखिए, एक तो बात ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 51% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं रिलायंस में 51%, तो मिरर शेयर होल्डिंग हो गई। लेकिन ये एक तो टेक्निकल रीजन है, दूसरा ये वो फेज है जियो फाइनेंशियल के एवोल्यूशन का कंपनी में, जिसमें जितनी भी एडजस्टमेंट फंड में हो रही है, वेरियस इंडिसीज में हो रही है, जो भी सेलिंग है, जीडीआर होल्डर्स की सेलिंग है, वो अभी इनिशियल फेज में आएगी। ये लोएस्ट प्राइस होगा। मैं ये नहीं कहता एक साल बाद दो साल बाद जियो फाइनेंशियल का क्या प्राइस होगा, लेकिन ये एक आध डेढ़ महीने जो है लोएस्ट प्राइस होगा, ये एवरेज लोएस्ट प्राइस। और अगर ये इंडिकेशन जो सौमित लेके आए कि प्रमोटर फैमिली अपना इंडिविजुअली स्टेक बढ़ाना चाहते हैं तो इसी फेज में होगा। लेकिन आपको प्रमोटर की तरह सोचना है, अगर आप एक दो साल बाद जियो फाइनेंशियल का साइज एंड शेप जो बदल के आ सकता है, जो पोटेंशियल है, अगर आप वो ले सकते हैं तो आपको खबर ये एक इंडोर्समेंट है कि ओपन मार्केट से एब्जॉर्ब करने के लिए सेलिंग आ रही है। और ये इनफैक्ट कल परसों से अगर आप देखिए तो बड़े बड़े ब्लॉक एब्जॉर्ब होना शुरू हो गए हैं। करेक्ट। और अभी अगर 5 करोड़ आज एब्जॉर्ब हो गया, 15 करोड़ की ओवरऑल सेलिंग थी, अगर आप टेक्निकली मैथ्स देखिए जो नुवामा ने नोट निकाला था, तो 10 करोड़ की सेलिंग और रह गई है। और ये कुछ और फंड्स का मूड बन गया, जैसे कल मोतीलाल का बना। करेक्ट। तो उसके बाद बड़ी सेलिंग चली जाएगी इसके अंदर 0.8, बट टेक्निकली एक बार आदित्य से समझ लेते। आदित्य, ये तो अभी अभी बॉन्ड हुई तो चार्ट शायद मुश्किल होगा देखना, लेकिन इस खबर पर कोई आपका कोई रिएक्शन? देखिए, मैं आपके व्यू से एकदम प्रॉपरली सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे आप कंपेयर करें रिलायंस ग्रुप वर्सेस अदानी ग्रुप, तो अदानी ग्रुप में काफी सारे नए स्टॉक्स लिस्ट हुए, उसने अदानी ग्रुप के लिए बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन करी। अभी रिलायंस इंडस्ट्री एक हाईली ओवरक्राउडेड ट्रेड और हाईली ओन्ड स्टॉक है, तो वहां पे एक्सेसिव वैल्यू क्रिएशन होना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप जियो फाइनेंशियल देखें, वहां पे एक्सेसिव ओवर ओन नहीं है स्टॉक अभी इतना ज्यादा, प्रमोटर ग्रुप बहुत ज्यादा ओन करता है स्टॉक, तो इधर लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। रिलायंस की साइड से बहुत टाइम बाद एक नई कंपनी लिस्ट हुई है, तो अगर प्रमोटर की नजरिए से देखें, जैसे आपने बोला लॉन्ग टर्म नजरिया देखे, तो इसमें एक्सेसिव वैल्यू क्रिएशन हो सकता है जियो फाइनेंशियल।